पूरी दुनिया में एक बीमारी फैल चुकी है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड होता है उसे मरना ही पड़ता है। और अब हम मूवी की शुरुआत में सड़क पर चलती हुई एक गाड़ी को देखते हैं। इस गाड़ी में दो लड़के और दो लड़कियां होती है। ये चारों शहर की तरफ जा रहे थे, तभी उनको सामने एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है जो सड़क के एकदम बीचों बीच खड़ी थी। उस गाड़ी के बाहर फ्रैंक नाम का एक आदमी खड़ा होता है। फ्रैंक उन लोगों से हेल्प मांगता है और कहता है कि उसकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये आगे नहीं जा रही है। लेकिन ब्रायन जो कि गाड़ी चला रहा था वह फ्रैंक को कहता है कि तुम गाड़ी से दूर रहो, पास मत आओ। तभी केट की नजर फ्रैंक की गाड़ी पर पड़ती है जिसमें उसकी छोटी बच्ची बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, यानी वो भी इन्फेक्टेड थी। जिसे देख सब लोग डर जाते हैं और अब ब्रायन गाड़ी को रिवर्स लेने लगता है। ये देख फ्रैंक गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि अब उन लोगों के सिवाय उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था और उसकी बेटी की हालत भी बहुत गंभीर हो गई थी। अब ब्रायन अपनी गाड़ी को वहाँ से किसी तरह से निकाल लेता है, लेकिन इसी दौरान उसकी कार की ऑयल वाली पाइप फट जाती है और थोड़ी ही आगे जाकर गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। अभी वो सभी लोग कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था और ये लोग भी सुनसान इलाके में फंस गए थे। इसलिए ब्रायन और बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग फ्रैंक के पास जाकर हेल्प मांगेंगे, जिसके बाद वे सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और पैदल चलकर वापस फ्रैंक के पास जाते हैं। फ्रैंक उन लोगों को वापस आता हुआ देख समझ जाता है कि उन लोगों को उसकी कार चाहिए। फ्रैंक अब उन लोगों से कहता है कि मैंने न्यूज में सुना है कि कुछ डॉक्टर्स ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और मुझे अब किसी तरह बस शहर पहुँचना है। तभी ब्रायन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक न्यूज है क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं मिला है। तभी डैनी को एक आइडिया आता है और अब वे लोग फ्रैंक और उसकी बेटी को कार के पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं और उन्हें आइसोलेट कर देते हैं ताकि वे वायरस उन लोगों तक नहीं पहुंच सके। अब वे लोग सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखती है जो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। जिसे देखकर ब्रायन और बाकी के लोगों को लगता है कि शायद उन्हें उस कार से पेट्रोल मिल सकता है। अब वो सभी लोग कार के पास जाते हैं। अब डैनी कार का दरवाजा खोलता है ताकि वे कार की चाबी निकाल सके। तभी वे कार के अंदर एक आदमी को देखता है जो उस वायरस से पूरी तरीके से इन्फेक्टेड था। डैनी उसे देखकर डर जाता है और कार का दरवाजा तुरंत बंद कर देता है। अब ब्रायन भी वहाँ आ जाता है और वे लोग पेट्रोल को ले लेते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वे लोग शहर पहुँच जाते हैं। वहाँ वे लोग हाई स्कूल जाते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अब सभी लोग गाड़ी से उतर कर अंदर जाने लगते हैं। तभी वह छोटी लड़की जिद करती है कि वह भी साथ में चलेगी क्योंकि पीछे अकेले उसे डर लग रहा था, इसलिए वो भी उसके साथ वहीं रुकने का फैसला करती है। और बाकी के लोग उसे रिसर्च सेंटर के अंदर जाते हैं जो अंदर से पूरी तरीके से खाली था। अब वे सभी लोग एक हॉल में जाते हैं जहाँ बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी थी। उन सभी के मरने का कारण अचानक से आई बीमारी ही थी। तभी वे लोग एक डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर को देख फ्रैंक कहता है कि क्या इस बीमारी का इलाज मिल चुका है, अगर मिल गया है तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरी बेटी अब मरने वाली है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैंने जो दवाई बनाई है उसका कुछ भी भरोसा नहीं है क्योंकि इंसान बच भी सकता है और मर भी सकता है, यानी पूरे 50-50 चांस है। अब डॉक्टर अपनी बनाई हुई दवाई कुछ बच्चों को देने जा रहा था क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था और इधर बच्चे भी मर रहे थे। लेकिन ब्रायन और बाकी के लोग डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर दवाई ने अपना काम नहीं किया तो बच्चे मर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर उन लोगों को समझाता है कि अगर मैंने बच्चों को ये दवाई नहीं दी तो ये वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। इधर हम फ्रैंक की बीमार बेटी को देखते हैं जिसे अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एक समय बाद वह गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देख वो भी अपनी जान को खतरे में डालकर उस लड़की के पास जाती है और उसके चेहरे से मास्क हटा लेती है ताकि वे आसानी से सांस ले सकें। तभी उस लड़की के मुंह से खून निकलता है जो बॉबी के चेहरे पर जाकर लग जाता है। अब बॉबी भी डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वह भी इन्फेक्टेड हो गई है। लेकिन वो समय रहते जल्दी से सभी चीजें वापस ठीक कर देती है और अब रिसर्च सेंटर से वो लोग भी वापस आ जाते हैं। अब फ्रैंक अपनी बेटी को देखता है तो वह बॉबी से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह उन लोगों को कुछ नहीं बताती है। उसे डर था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो वे लोग उसे कार से बाहर निकाल देंगे क्योंकि अब वह भी इन्फेक्टेड हो गई थी। फ्रैंक अपनी बेटी की बिगड़ती हालत को देखकर डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी के साथ वहीं पर रुकेगा और उन लोगों को कार ले जाने देता है। अब वो लोग थोड़ी दूर जाने के बाद कार को रोकते हैं और उसको सैनिटाइज करते हैं क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जब कार पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पास ही के होटल में जाकर पार्टी करेंगे क्योंकि
कि अब वो लोग बोर हो गए थे। अब सारे लोग होटल में जाते हैं और वहाँ की पूरी तलाशी लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों को लगा कि पूरा होटल खाली है और वे यहाँ आसानी से रह सकते हैं। इधर बॉबी की हालत भी बिगड़ रही थी क्योंकि वे इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन फिर भी वे किसी को कुछ नहीं बताती है। अब ब्रायन स्विमिंग पूल में एक डेड बॉडी को देखता है, जिस कारण वो डर जाता है और वह पूल में गिरने ही वाला होता है कि उसका छोटा भाई आकर उसे बचा लेता है। अब सभी लोग होटल के गार्डन में जाते हैं और वहाँ बहुत मजे करते हैं, और जब भी ब्रायन बॉबी के पास आने की कोशिश करता है तो बॉबी उसे पास नहीं आने देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से ब्रायन भी इन्फेक्ट हो जाए। होटल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वे लोग रात में भी इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन लोगों पर कोई टॉर्च की रोशनी डालता है और उनका पीछा करने लग जाता है। तब सारे लोग समझ जाते हैं कि उनके अलावा और भी कोई इस होटल में है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो पूरी बॉडी पर एक खास तरह का सूट पहने हुए और उनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ था। वो लोग ब्रायन और उसके साथियों से पूछते हैं कि उनका एक आदमी गायब है, कहीं तुम लोगों ने तो उसे नहीं मारा। तब डैनी उन लोगों को कहता है कि एक आदमी पुल में मरा पड़ा है, कहीं वह तो तुम्हारा आदमी नहीं है। जब वो लोग जाकर देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि वह भी उस बीमारी की वजह से मरा है। अब वो मास्क पहने आदमी उन लोगों को होटल से जाने के लिए कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये दोनों लड़कियां यहीं पर रुकेगी। अब ब्रायन और डैनी भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे सभी लोग बंदूक की नोक पर थे। और अब वो मास्क वाले आदमी बॉबी और केट को कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, और जब बॉबी अपने कपड़े उतारती है तो उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि वह भी वायरस से इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसकी बॉडी लाल रंग की हो गई थी। अब मास्क पहने लोग भी डर जाते हैं और उन सभी को जाने देते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रायन और बाकी के सभी लोग बॉबी से बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसने उन सब लोगों की जान खतरे में डाली थी। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद ब्रायन कार को रोक देता है और बॉबी को कार छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी कार से नीचे नहीं उतरती है। तब ब्रायन गुस्सा हो जाता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे छोटी लड़की के पास मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और हम सबकी जान खतरे में डाली। जिसके बाद ब्रायन और बाकी के लोग बॉबी के लिए कुछ खाने का सामान छोड़कर वहां से चले जाते हैं। थोड़ा ही आगे जाने के बाद ब्रायन नोटिस करता है कि कार का फ्यूल खत्म होने वाला है। तभी वह देखता है कि सामने से कार आ रही है, इसलिए वह अपनी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी कर देता है ताकि वह सामने आने वाली कार को रोक सके। अब जो कार सामने से आ रही है वह रुक जाती है, जिसमें दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। अब कार से उतरकर डैनी उन औरतों से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि हमारी कार का फ्यूल खत्म हो गया है और हमें थोड़ा फ्यूल चाहिए, लेकिन वे दोनों औरतें डर जाती है और अपनी गाड़ी को रिवर्स में भगाना शुरू कर देती है। ये देख ब्रायन भी गाड़ी से उतर जाता है और उन औरतों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक बूढ़ी औरत मर जाती है। और ब्रायन उस दूसरी औरत को भी बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास भी एक गन थी। वे कार से उतरते ही ब्रायन के पैर में गोली मार देती है, जिस कारण ब्रायन और गुस्से में आ जाता है और उस बूढ़ी औरत को मार डालता है। इस दौरान डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन नहीं रुकता है। अब दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा ज्यादा नहीं चलता है और वो दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब झगड़ा करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। अब जैसा कि ब्रायन के पैर में गोली लगी थी, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा आगे जाने के बाद डैनी को एक घर दिखाई देता है, जहां अब वह ब्रायन के लिए दवाइयां लेने जाता है। घर में घुसते ही डैनी एक कुत्ते को देखता है जो अपने मालिक को खा रहा था, और अब वह कुत्ता उस पर अटैक करता है, लेकिन डैनी उसे मार डालता है। अब दवाइयां उठाकर वह वापस कार के अंदर आ जाता है। डैनी अब ब्रायन के पैर से गोली निकालने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि ब्रायन का एक पैर पूरी तरीके से लाल हो गया था, यानी अब वह भी वायरस से इन्फेक्टेड था। आपको बता दें कि ब्रायन इन्फेक्टेड तब हुआ जब उसने अपने गर्लफ्रेंड बॉबी को गलती से छुआ था। और अब डैनी और केट ब्रायन को कार के पीछे आइसोलेशन में रखते हैं, जैसा कि उन्होंने फ्रैंक और उसकी बेटी को रखा था। अब पूरे दिन सफर करते करते रात हो जाती है और रात को वो तीनों लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहां केट डैनी को कहती है कि हमें ब्रायन को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे साथ में रखेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और वायरस की चपेट में आ जाएंगे। इधर हम ब्रायन को देखते हैं, जिसकी हालत वायरस के कारण बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, और वह वहीं पर सो जाता है। अब रात को ही डैनी धीरे से ब्रायन के पास जाता है और उससे कार की चाबियां लेकर वापस कार के पास आ जाता है। को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी ब्रायन की नींद खुल जाती है और वो उन लोगों को पीछे से कहता है कि हेलो, तुमने गलत
गलत चाबियां ले ली है। अब ब्रायन अपने छोटे भाई को कहता है कि वो उसे गोली मारकर खत्म कर दे, क्योंकि वह तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता था। डेनी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बचपन के पल याद आ जाते हैं और वह अपने भाई को गोली नहीं मार पाता है। तब ब्रायन कहता है कि कुछ मत सोचो और सब कुछ भूल जाओ और मुझे गोली मारो। तब डेनी ब्रायन को शूट कर देता है और ब्रायन भी मारा जाता है, जिसके बाद डेनी अपने बड़े भाई की बॉडी को जला देता है। अंत में हम देखते हैं कि केट और डेनी एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर यह वायरस नहीं फैला था। डेनी को ब्रायन के साथ उस जगह पर बीते हुए बचपन के पल याद आते हैं और वो केट से कहता है कि ये वही जगह है जहां हम दोनों भाई अक्सर आया करते थे, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी की स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।